Hi guys, this is question number 2, CAT 2022, slot 2, question paper, and this question is based on time and work. Let's see this question. Working alone, the times taken by Annu, Tannu and Mannu to complete any job are in the ratio of 5:8:10. They accept a job which they can finish in 4 days if they all work together for 8 hours per day. However, Annu and Tannu work together for the first 6 days. Working 6 hours 40 minutes per day, then the number of hours that Mannu will take to complete the remaining job working alone is. So this question is based on time and work, or time and work ka jo ye question hai, is question ko karne se pehle, let me tell you one concept, ki jo work hota hai, jo total work done hota hai time and work ke questions mein, वो हम लेते हैं एफिशिएंसी इनटू टाइम. एफिशिएंसी इनटू टाइम का मतलब क्या है, किसी की कितनी एफिशिएंसी है, कौन कितनी यूनिट बना सकता है एक दिन में, और टोटल उसे कितना टाइम लगता है. ठीक है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, इस फॉर्मूले को हम ध्यान रख सकते हैं. ठीक है, ये क्लासरूम में हम करते हैं. वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम. तो अगर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा. और दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि जो एफिशिएंसी होती है, किसी की भी जो एफिशिएंसी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का. मतलब जितना टाइम वो लेते हैं मिलके उसका उल्टा कर दोगे यदि, तो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाता है. तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन. देखिए इसकी पहली लाइन पढ़िए. इन दोनों बातों को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा. तो द टाइम टेकन बाय अन्नु, तन्नु एंड मन्नु, तीन लोग हैं, अन्नु, तन्नु, मन्नु. तो तीनों जो टाइम लेते हैं उनका टाइम का रेशियो हमें दिया हुआ है 5:8:10. तो अगर उनके टाइम्स का रेशियो 5:8:10 है तो हम कह सकते हैं जो तीन लोग हैं, अन्नु, तन्नु एंड मन्नु, इन तीनों के जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वो अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बिकॉज एफिशिएंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. तो वी कैन सिंपली से दैट जो एफिशिएंसी का रेशियो बनेगा वो बनेगा 1/5, उल्टा हो जाएगा 1/8:1/10. ये हम ध्यान भी रख सकते हैं, जो टाइम हमें दिया हुआ है उसका उल्टा हमेशा एफिशिएंसी का रेशियो होता है. अब नीचे का अगर आप एलसीएम लेते हो तो 40 आएगा, 40 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 40/5 हो जाएगा, है ना. तीनों का 5, 8, 10 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 40 आएगा. 40 से मैं सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि ये हमारी वैल्यू में निकल आए, एक फ्रैक्शन से बच जाएं हम. तो 40/10, तो इन तीनों के एफिशिएंसी का जो रेशियो बन जाएगा वो हो जाएगा 8:5:4. तो तीनों के एफिशिएंसी का रेशियो आ गया हमारे पास 8:5:4. इट मींस दैट कि अगर अन्नू जो है वो एक घंटे में 8x यूनिट्स बनाता है. ये 8x क्या, मैं आपको बता देता हूँ, ये अन्नू है जो यूनिट्स पर आवर है. ठीक है, एक घंटे में, एक घंटे में ही क्यों माने, क्योंकि घंटों में बात की गई है क्वेश्चन में. तो एक घंटे में अगर अन्नू 8x यूनिट्स बनाता है तो तन्नू 5x यूनिट्स बनाता है और मन्नू जो है वो 10x यूनिट्स बनाता है. नाउ इट इज़ गिवन दैट कि अगर तीनों मिलके काम करते हैं तो काम 4 दिन में ख़त्म नहीं, हाँ जी यही दिया हुआ ना, दे एक्सेप्ट जो विच दे कैन फिनिश इन 4 डेज इफ़ दे वर्क टुगेदर फॉर 8 आवर्स पर डे. तो 4 दिन है और 8 घंटे काम करते हैं, तो इसका मतलब 4 × 8 टोटल टाइम, कितने टाइम वो काम करते हैं, 32 आवर्स. अगर मैं तीनों को जोड़ दूँ तो तीनों की जो टोटल यूनिट्स बनेंगी एक घंटे की वो आएंगी 17x. और हमें पता है कि वर्क जो होता है वो होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम. तो अगर तीनों मिलके काम करते हैं तो 17x यूनिट्स एक घंटे में बनती हैं. और टोटल कितने घंटे काम होता है, एक दिन में 8 घंटे, तो 4 दिन में कितने घंटे काम होगा, 8×4 टोटल 32 आवर्स लगते हैं. तो वी कैन से दैट इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, 32 को अगर आप 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 4. 21 + 2 = 23 + 1 = 24 आएगा, ये 544 आ जाएगी आपकी वैल्यू सोल्व करके. तो वी कैन से दैट टोटल जो काम है, टोटल जो यूनिट्स का काम है वो 544x यूनिट्स का टोटल काम है. ठीक है, वर्क आ गया. अब अगर हम आगे क्वेश्चन को पढ़ें तो इसमें कहता है कि अन्नु और तन्नु मिलके, अगर सिर्फ और अन्नु और तन्नु मिलके काम शुरू करते हैं पहले 6 दिन के लिए और वो काम करते हैं एक दिन में 6 hours 40 minutes, तो देन द नंबर ऑफ आवर्स दैट मनु विल टेक टू कम्प्लीट द रिमेनिंग जॉब वर्किंग अलोन. तो पहले ये देख लेते हैं कि जो अन्नु और तन्नु है वो मिलके कितना काम खत्म कर देते हैं इसमें से. तो अन्नु और तन्नु, हमें पता है कि वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है. तो अगर मैं अन्नु और तन्नु की बात करूँ सिर्फ, तो उन दोनों के जो एफिशिएंसी है वो है 13x.
और उन्होंने जो टाइम लिया है टोटल काम करने में, एक दिन में वो 6 घंटे 40 मिनट काम करते हैं, 6 घंटे 40 मिनट, 40 मिनट का मतलब हो गया 40/60 अगर आवर्स में देखूँ मैं, दैट इज़ 2/3, तो 6 2/3 विच इज़ 20/3 आवर्स, तो एक दिन में इफेक्टिवली वो 20/3 आवर्स काम करते हैं, और टोटल वो 6 दिन काम करते हैं, तो वी कैन से दैट कि जो टोटल घंटे उन्होंने काम किया है वो 6 × 20/3 आवर्स काम किया है, एक दिन में 20/3 आवर्स, तो 6 दिन में 6 × 20/3 आवर्स। इसे अगर हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पे ये वैल्यू 2 आएगी, दिस वैल्यू कम्स आउट्स टू बी 13x × 40 विच कम्स आउट्स टू बी 520x। तो 520x यूनिट्स का काम ऑलरेडी हो चुका है, किसने किया ये W1 बोल देता हूँ, ये अन्नू और तनु ने फर्स्ट 6 डेज में किया है ना टोटल वर्क, लेकिन हमें कितना करवाना था 544x। इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूँ। तो अभी रिमेनिंग वर्क कितना है, तो हम कहेंगे अभी जो रिमेनिंग वर्क है दैट कम्स आउट्स टू बी कितना बनेगा, 544x माइनस 520x, तो दिस कम्स आउट्स टू बी 24x। तो 24x का अभी रिमेनिंग वर्क है, और इस काम को कितने घंटे में करेगा कौन, मन्नू बताना है हमें, मन्नू कितने घंटे में करेगा। तो मन्नू जो है वो एक घंटे में हमें पता है मन्नू जो है, ये 10x मैंने गलत लिखा था, सॉरी मैंने वहाँ पे ठीक लिखी है वैल्यू, ये 4x है गाइस, है ना, 1/10 × 40 राइट, तो ये 4x था, और माइंड में मेरे 4x ही चल रहा था, तो 17x यहाँ पे चल रहा था, बट ये 4x है वैल्यू, ठीक है। अब वो एक घंटे में 4x यूनिट बनाता है, कौन 4x यूनिट्स बनाता है, मन्नू। तो अभी 24x यूनिट्स बची हुई हैं, तो अभी हमें बताना है कि कितने आवर्स और लगेंगे किसको, मन्नू को। तो अगर मैं 24x यूनिट्स का टोटल काम बचा हुआ है और वो एक घंटे में 4x यूनिट्स बनाता है, इससे डिवाइड कर दूं, तो जो रिमेनिंग वर्क था, कैन वी से उसे करने में, जो रिमेनिंग वर्क था उसे करने में क्या मैं बोल सकता हूँ, मन्नू को 6 घंटे लगेंगे, तो 6 आवर्स इसका आंसर होना चाहिए, 6 आवर्स इसका सही आंसर था। अब देखिए, इस क्वेश्चन को जब मैंने सोल्व किया तो आपको पूरा डिटेल में बताया, बट नेक्स्ट टाइम इस क्वेश्चन में इतना कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप फटाफट से 1/5, 1/8, 1/10 करके आप सबसे पहले एफिशिएंसी का रेशो निकाल लेते, इसको मैं दोबारा समझा रहा हूँ, फटाफट हो जाता है। तो आप कहते कि टोटल एफिशिएंसी तीनों को ऐड किया तो 17x बनेगी, तो 17x × 32 कहां से आया था, 4 × 8 32 आवर्स टोटल लगते हैं, तो 544 यूनिट्स का काम है, उसमें से अन्नू और तन्नू मिलके 13x यूनिट्स बनाते हैं एक घंटे में, और वो काम करते हैं 6 आवर्स 40 मिनट्स, मतलब 20/3 आवर्स एक दिन में, इंटू 6 कर दिया तो वो 40 घंटे काम करते हैं, तो 520x यूनिट्स वो ऑलरेडी बना चुके हैं, 24x यूनिट्स बाकी थी जो कि अब मन्नू बनाएगा, मन्नू एक घंटे में 4x यूनिट्स बनाता है, तो डिवाइड कर देंगे, तो टोटल मन्नू अब कितने घंटे लेने वाला है, 6 आवर्स लेने वाला है, तो यही सवाल का सही आंसर है।